हेलो एवरीवन, आई एम अंशी अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग बात करेंगे लास्ट वीक स्ट्रेटेजी के बारे में, है ना। अब तो पूरा एक हफ्ता भी नहीं बचा और मेरा मानना है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपने मेरा आज का वीडियो ध्यान से देखा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप काफ़ी कुछ सीखोगे। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इस एक हफ्ते करना क्या, उसके बाद मेरी बातों पर ध्यान रखना, काफ़ी मोटिवेशनल है आपके लिए, है ना। और आज का मोटिवेशनल लेक्चर अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब खूब करना। आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारे चैनल को ब्रांड बनाओ, है ना। अभी तक सिर्फ 19,000 सब्सक्राइबर ही हुए इतने अच्छे डेटा के साथ। ठीक है, तो अब लास्ट वीक की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक में एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर एक तो क्वेश्चन को रिवाइज करो, लास्ट 4 to 5 years के मिनिमम। ठीक है, 4 to 5 years से ज़्यादा करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही हफ्ता बचा है ना। और उसके अगर आपको क्वांट के सॉल्यूशन चाहिए, डीआई के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं और डिसीजन मेकिंग के भी एक दो तीन वीडियो कुछ हैं जिसमें हमने समझाया है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको एक पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ की जो लिंक है आपको मिलेगी, है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, है ना। स्क्रीन पर आपको उसका डिटेल भी दिख रही होगी। कैट आईपी मैट आप टाइप करोगे तो हमारा चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना, उसमें आपको कैट, जेट, आईएफटी, सीमैट, है ना, आईपीमैट, इन सबके आपको प्रीवियस ईयर के हमने जितने भी सॉल्यूशंस लिए हैं उसके एक पीडीएफ में लिंक उनकी दी हुई है, है ना। तो आपको बस जैसे Z15 का पेपर देखना है तो Z15 के आगे उसकी लिंक पर क्लिक करो, आपका Z15 का सॉल्यूशन चालू हो जाएगा क्वांट का, है ना। तो जितना आप सॉल्व कर सको कर लेना, ठीक है। प्लस इस एक हफ्ते ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना, रिविज़न अच्छे से करना। तो अगर आपको लगता है कि आप हमारा Z300 का कोर्स परचेस कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। उसमें डिसीजन मेकिंग के हमने 60 क्वेश्चंस लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी है। लास्ट ईयर 99.74 हाईएस्ट परसेंटाइल था हमारे यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गई, इस एक हफ्ते आपको क्या क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो। Z300 अगर परचेस किया हो तो उसको रिवाइज कर लो, है ना, या बाकी आपको जिससे जो रिवाइज कर रहा हो उससे कर लो, है ना। नया कुछ ज़्यादा मत करना। अब एक काम की चीज़ समझो, देखो अभी आपका कैट भी हो गया है, कैट अच्छा गया है कि बुरा गया है उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, है ना। प्लस आप लोग मॉक काफ़ी देते रहते हो, उसके भी रिजल्ट पे भी ध्यान मत देना कि अच्छे जा रहे हैं कि बेकार आ रहे हैं। बेकार आ रहे हो तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात सबने नोटिस की होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप सब में से जितने भी स्टूडेंट्स हो सबको एक चीज़ पता होगी, प्रिपरेशन को अभी साइड में रखो थोड़ा सा। आपने एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी हम मॉक को एनालिसिस करते हैं या जब हमने कैट का पेपर दे के आए थे जब उसको भी एनालिसिस कर रहे थे, तो जब हम घर पे पेपर सॉल्व करते हैं तो हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, है ना। फिर हम सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम में ये क्यों नहीं बना। बस अगर ये गैप आपने दूर कर दिया तो हर एग्ज़ाम में आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और इस गैप को दूर करने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लिया करो कि अगर मेरा इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सामने वाले या मेरे फ्रेंड ने मुझसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई की उसका तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा, या पेपर अच्छा नहीं गया तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, या मेरी जॉब अभी नहीं लगी, कैट में भी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ऐसे जितने भी फालतू के विचार हैं ये आपके दिमाग में पेपर देते समय नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना मेरी बातों को। एग्ज़ाम देते समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, एग्ज़ाम देते समय सिर्फ आपके दिमाग में एग्ज़ाम के क्वेश्चन आने चाहिए और उनका सॉल्यूशन कैसे करना ये आना चाहिए। ईजी ईजी क्वेश्चंस को पिक करो, उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर डालो। देखो जैट में सफिशियंट टाइम है, टाइम लिमिट आपको कम नहीं पड़ेगी, आराम से आप लोग अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। बस क्वेश्चन लेंथी देख के कभी घबरा मत जाना। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मॉक देने के बाद जब आप एनालिसिस करते हो तब तो आपसे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, है ना। तो हमसे एक्चुअल मॉक में या एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, उसका सिंपल सा कारण है कि हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो आप लोग जबरन के टेंशन मत लो, पॉजिटिव माइंड से एग्जाम देने जाओ, इधर उधर की बातें दिमाग में मत लाना, है ना। ये मत सोचना कि हमारा रिजल्ट बेकार हुआ तो हमारे साथ क्या होगा, है ना, ऐसा तो है नहीं दुनिया रुक जाएगी, ठीक है। काम तो देखो चलते रहते हैं, कोविड भी हुआ तो भी लोगों के काम तो चल ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि दुनिया रुक गई है। कोविड के साथ अब कई लोगों ने जीना सीख लिया है, वैसे ही देखो दुनिया चलते रहती, काम होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम हमारा बिगड़ गया अच्छा गया तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। हाँ अच्छा गया तो फर्क पड़ेगा ही, बेकार भी गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो पेपर देते समय ये सब विचार दिमाग में मत लाना। और ये जो लास्ट वीक है इसमें कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत आने देना, ठीक है।
तो पॉजिटिव रहो, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा एग्जाम भी जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। कभी आप ध्यान देना, अगर आपने बहुत सारे मॉक दिए हो तो कुछ मॉक ऐसे होते होंगे जिसमें आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया होगा, तो खराब आते होंगे। कई बार हमारा क्या होता है, उन्हीं पे दिमाग अटक जाता है कि मेरा खराब आया खराब आया। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो कुछ एक मौके ऐसे भी रहे होंगे जिसमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, है ना। उस अच्छे पे अगर आप ध्यान देना तो वो आपका जो दिन रहा होगा वो काफी पॉजिटिव रहा होगा। आपने जब मॉक देने बैठे होगे काफी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बैठे होगे, आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके अटेम्प्ट कर रहे होगे, है ना। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जितने पॉजिटिव रहोगे आपका एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। तो मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट बोल लो है कि ये जो हफ्ता है पूरा पॉजिटिव रहो और जेड को पूरे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ दो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेस तो हमेशा ही आपके साथ हैं, तो उम्मीद है आपका जेड बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। तो हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।